शची मेधा सावित्री विजया जया लगातार दिन हो चुके ने, लगातार चल रहे हैं। दिव्य योगी महायोगी सिद्ध योगी गणेश्वरी प्रेताक्षीणा किनी काली कालरात्रि निशाचरी। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। तो थानू जिवें कि अग्गे भी पता है कि कई ऐसे जगत की फंक्शन जिहड़े हुंदे ने जिथे कि बीच में रमन अरोड़ा जी हमारे शहर के एमएलए साहब रमन अरोड़ा जी सेंट्रल हलके के शब्द एमएलए लोगों के बीच में रखेंगे वो आप सब के लिए सम्माननीय होंगे। तो मैं प्रार्थना करूंगा रमन अरोड़ा जी आइए मंच से और कुछ शब्द ज्योतिष जगत के लोगों के बीच में ज्योतिष शास्त्र के विषय अपनी ओर से हम सब लोगों के बीच में तालियों से स्वागत सम्मेलन है। एमएलए साहब का पहलो भी जिड़ा हुंदा है बड़ी अच्छी खूबी लगी मुझे। ब्राह्मण देवता के पैर भी छू करके आए हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। अखिल भारतीय संस्कृति ज्योतिष आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा वैसे ज्योतिष के विषय में जानता तो नहीं, पर मेरे को एक भी मानना होता सर, एक मिनट भाई, कि जो लोग अपने माँ बाप को देखकर घर से निकलते हैं उनका दिन शुभ रहता है बस, क्योंकि जो हमें संस्कार दिए गए हैं उसमें एक ही बात प्रमुख रहती है कि हमारे जो ग्रह वो एक ही चीज से ठीक हो जाते हैं, अगर हम अपने मां बाप के चरणों को छूकर और बाहर निकलते समय अपने मां बाप के चेहरे को देख कर निकल जाते हैं तो दिन शुरू। बाकी मैं आपको पहले भी विनती कर चुका हूं कि इस विषय में मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है। इस पवित्र मंच पर ये कि इस टाइम इस सेंट्रल हल्के दे नकोदर रोड ते है जलंधर पंजाब इतनी शक्ति भर दे शिरकत की। आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ ताकि आप सभी लोग मेरे पे किसी तरह विशेष कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। जिथे की दोस्तों थानू दस दिए की हर वार जेड़ा की रमन जी वालों धन्यवाद धार्मिक स्थलां ते धार्मिक
ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਮਨ ਜੀ ਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ कुंडली में सारे ग्रह खराब हो, सूर्य चंद्रमा ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सूर्य पिता और चंद्रमा माता जो माहिर ने लाल किताब ते जे गल करिए होर भी ज्योतिष विद्यावां दे उत्थे ही होर भी ज्योतिष विद्यावां दे उत्थे ही तुहानू दस दईए कि अज तीसरा दिन है अज इस जिहड़ा इन्हां वल्लों ये अखिल भारतीय ज्योतिष मंच जिहड़ा कि अज लगातार तीसरा दिन इस समागम दा जिहड़ा चल रहा है। सो दोस्तों तुहानूं दस दईए कि इस टाइम साढ़े नाल आरसी शर्मा जी भी मौजूद ने, उन्हां नाल भी गल्लबात करांगे। विद्वानों के बीच में बैठते हैं तो अपने आप विद्वान हो जाते हैं, कहते हैं उस्ताद लोगों के बीच में संगत करते हैं तो धीरे धीरे खुद ही उस्ताद हो जाते हैं। वक्त लगता है, धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। विद्वान लोगों के बीच में बैठेंगे तो विद्वान होंगे, मूर्खों के बीच में बैठेंगे तो मूर्ख हो जाएंगे। नर मूर की संगत और बटे बहु भोजन खाए। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏ ਹਮਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਮੰਚ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰੀਜੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੇ ਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਨਾ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਨਾ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਹੀ
जे गल करिए आपां उत्साह वाली गल है तो इस दे नाल ही मैनू गौरव नू दिओ इजाजत रमेश चंद जी हॉट न्यूज़ इंडिया सतपाल अरोड़ा जी मैं जट है